नमस्कार, अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जुड़ रहा हूँ तुतिन शेरूप येफेलिंग मोनेस्ट्री, जो यहाँ सिचुएटेड है बुद्धा हेरिटेज पार्क, योगमुजोर मुसाक्सिंग विलेज, वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट पे। आज इस मोनेस्ट्री का जो है इनॉग्रल सेरेमनी रखा गया है, जिसको जो है हमारा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट थे, और साथ ही साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री चोना मेन एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, और साथ ही साथ श्री तापिर गाँव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज ए स्पेशल गेस्ट, और इसके साथ ही साथ हमारे वेस्ट कमिंग के अनेक विधायक भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, और साथ ही साथ यहाँ पे आज जो स्पीकर्स है उनके तरफ से भी आज इस हेरिटेज पार्क गेफेलिंग मोनेस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बातें रखा गया, और साथ ही साथ जो हमारा फॉर्मर स्पीकर श्री टी एन थोंगडोक है उनके तरफ से भी ये जो मोनेस्ट्री को स्थापना करने में काफ़ी कुछ उनका योगदान रहा है, तो उनकी तरफ से भी क्या कहना होगा उनको भी हम आपको आखिर में मिलाएंगे। तो इसी के साथ आज इस इनॉग्रल सेरेमनी का ग्लिम्सेस हम आपको सामने पे रखेंगे, तो बने रहेगा अरुणाचल टुडे। भाग्यशाली समझता हूँ यहाँ इस शुभ स्थान पे हमारे अरुणाचल प्रदेश के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ गुजरे हुए हैं, और आप यहाँ इतना समय को कीमती समय को एडजस्ट करते हुए आपने यहाँ अपना यहाँ स्थान पर कदम रखा, इसलिए मैं आपको तहे दिल से मैं अपना और हमारे क्षेत्र कम्युनिटी का हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं और हमारे बोध समाज के और से आप हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल डिस्टेंस साहब और उनके सामने सारे सदरगण ने आके यहाँ हमारे आपके कर प्रमुखों द्वारा उद्घाटन किया है हमारा ये कैप्टन शेरूप कैफेलिंग मोनेस्ट्री। आप सब यहाँ इस समारोह उद्घाटन समारोह में आके हमारे जो प्रयत्न है उसको हंसाए और हमारे हौसला को बुलंद किया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे बीच जितने भी हमारे पूज्य प्रेमिश्वर जी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे विशुभन लामास लोग जो यहाँ पे पधारे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से इस कॉम्प्लेक्स का बुद्धा पार्क का यहाँ स्टेचू है और जो गोम्बा जो है उसका आप लोग ने रंगी किया, आप लोग ने जो पूरा करके डेडिकेट किया उसके लिए भी आप सभी को बहुत धन्यवाद। इस प्रोजेक्ट को लेकर हमारे नोरू साहब ने आप सब सबको बताया कि सरकार की ओर से जो जो सहयोग मिला है, कुल मिला के लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक हम लोग ने करीबन 8 करोड़ 20 लाख का यहाँ पे वेरियस स्कीम से हम लोग ने दिया हुआ है, और इस साल भी मैंने जो SIDF रिसेंटली जो SIDF निकला है तो यहाँ पे बुद्धा हेरिटेज पार्क में योगमुजोर में वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए SIDF में 2 करोड़ 50 लाख दिया हुआ है, तो लिस्ट अभी निकल गया, तो डिपार्टमेंट जो कंसर्न है तो आप जैसे गाइड करेंगे डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम करेंगे।
तो अभी हम लोगों का खास करके तवांग वेस्ट कमिंग में जितने भी हमारा रिबूचेस है और हमारे लामास है, तो हम लोग काफ़ी ब्लेस्ड है कि हमारा इस एरिया में ज़्यादातर सब बुद्धिस्ट ही है और उन लोगों का आशीर्वाद से हम लोगों का इस एरिया में मौन एरिया में बहुत आशीर्वाद मिला हुआ है। इसलिए जब भी हम लोग का तवांग वेस्ट कमिंग में आता है, यहाँ का लोगों में खुशी देखने को मिलता है, चेहरों में मुस्कान देखने को मिलता है, हैप्पीनेस इंडेक्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है क्योंकि हम सबको ऊपर में हम लोगों का आशीर्वाद विश्वकर्ण का हो गया, रिमोचेस का हो गया और अपना बौद्ध धर्म के कारण से हम लोगों का इस एरिया में डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है, लोग भी काफ़ी डिसिप्लिन है। तो इसमें हम लोगों का रिलीजियस से, क्योंकि हम लोग बौद्ध धर्म से, इसमें हम लोगों का समाज में भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो अभी इसका फर्दर फिर जो जर्नी है, आप सब लोग जानते हैं कि बुद्धिज्म में हम लोगों का जो महायाना बुद्धिज्म में चार स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें से अपना इस एरिया में ज़्यादातर निंगमा और येलू का ही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें जितना ज़्यादातर मोनास्ट्री भी उसी प्रकार का ही मोनास्ट्री मिलेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ जंग में एक तो केयू का काफ़ी पुराना मोनास्ट्री है, 900 साल मोनास्ट्री, तो और बाकी तो पूरा अपना गेलू और निमा का रिलेटेड ही हम लोगों को मिलेगा। तो हमारा आज जो साउथ इंडिया में खास करके अगर गेलू का बात करेंगे तो वहाँ पे तीन जो बड़ा मोनास्ट्री है, गंदन, इसके बाद सेरा, इसके बाद ड्रेगुंग, मैं लास्ट ईयर भी मैं पूरा मोनास्ट्री में भी जाके आया, वहाँ पे जो एबोट है, इसके बाद अपना तवांग वेस्ट कमिंग के जितने भी जो सीनियर मॉन्क्स है उनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन हुआ। रिसेंटली मैं वहाँ गंदन मोनास्ट्री में गया, तो जितना भी हमारा जो गेशी धर्मा, गेशी तो अलग अलग डिग्री काफ़ी होता है लेकिन उसका अंदर में भी धर्मा गेशी जो है आप सब लोग जानते हैं टॉप डिग्री जो हम लोग देते हैं। तो जितने भी जो गेशी धर्मा है अपना मौन एरिया से, तवांग और वेस्ट कमिंग से, उनको हमने मोनास्ट्री गंदन में एक डिनर के साथ में इंटरेक्शन हुआ है और हम लोग ने कुछ डिस्कशन, अच्छा डिस्कशन हुआ किस हिसाब से हम लोगों को इस रिलीजन को, जो बुद्धिज्म जो वे ऑफ लाइफ है, यंगर जनरेशन्स को किस प्रकार से और भी इन लोगों को मैसेजिंग को पहुंचाना है और बोधी स्क्रिप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको फिर किस प्रकार से हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो बोर्डली अभी जितने भी हमारा गेशी नरम्बस है उस एंगल में वो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और जो डिपार्टमेंट जो डोका डिपार्टमेंट, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिताजी और हम अपना मौन एरिया के लेट रिमिचे सोना कंसे रिमिचे, उन दोनों का इनिशिएटिव से हमारा इस तवांग वेस्ट कमिंग को खास करके अपना रिलीजन और कल्चर को प्रिजर्वेशन करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कार्मिक एंड आध्यात्मिक का गठन किया। तो मैंने आज हम इस गंपा को, इस मंदिर को दान दिया है और हमारा विश्वास में, हमारा बुद्धिस्ट में दान सबसे बड़ा पुण्य चीज होते हैं। अगर दुनिया में सब अगर पुण्य है तो दान सबसे बड़ा है, चाहे आप मंदिर दान दो, चाहे आप नदी में मछली आप फेंको दान दो, या पशु पक्षी दान दो, या कोई डोलम या कोई ब्रिजेस दान दो, या कोई सड़क दान दो, ये हमारे लिए बहुत पवित्र, बहुत बहुत पुण्य का चीज होता है। तो आज मेरे लिए बहुत पुण्य का दिन है, मुझे भी ये पुण्य मिला है, बल्कि मैं अपने आप को मैं धन्य मानता हूँ। इस दिन को आज जितना हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये हम भूल नहीं सकते हैं। यहाँ कुप्तेन सेड्रुप गेपेलिंग मोनिस्ट्री, जिसको हमारा मेमे ने एक इंस्टीट्यूशन के लिए बना रहा है, एक लिविंग इंस्टीट्यूशन, आने वाला काल के लिए इतना विजनरी गुरु साहब, आने वाला काल के लिए जेनरेशन टू काम, इस चीज को आज उद्घाटन हुआ है सीएम साहब और रिंकू से, आप सभी लामास के आशीर्वाद से। मैं पहले एक बार इधर आए थे, ये आका कंस्ट्रक्शन हो रहा था,
शेरगांव में कुछ प्रोग्राम रखा था तो उसमें आके ये देखा और आज देख के इसमें आत्मा दिखाई दे रहा है, इसमें दिस मोनेस्ट्री इज हैविंग ए सोल, इसका आत्मा है। और मैं आप लोगों को बताया कि 44 इयर्स पहले मैं एलोंग हायर सेकेंडरी में स्कूल में पढ़ता था, आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। ये तुप्तिन शेडरूप गेफिलिंग जो अभी यह मंदिर बनाया है, तो ये हमारे इस होलीनेस दलाई लामा ने ये नाम ये आशीर्वाद के साथ दिया है। और ये जो मोनेस्ट्री है हमने 2016 से शुरू किया था, 5-6 साल लग गया है। तो इसमें हमारे नॉट ओनली शेडरूप कम्युनिटी के, हमारा यहाँ के वेस्ट कमिंग जो बुद्ध भगवान को बिलीव करते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, उसका कहना का उसके आधार में हमने ये मंदिर बनाया, सबके लिए फॉर ऑल ह्यूमैनिटी के लिए किया है। तो मुझे आज खुशी है हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने उनका करुण कर्मलो द्वारा इसका उद्घाटन किया है और इसको डेडिकेट किया है सब लोगों के लिए, नॉट ओनली बुद्धिज़्म, आप सब हमारे जितना भी हमारे दुनिया में जितना भी लोग हैं उसके भलाई हो। और स्पेशली ये जो ये मंदिर और साथ में ऊपर 45 फीट के जो ब्रॉन्ज का जो भगवान बुद्ध वहाँ रखा है वो सब के लिए आशीर्वाद मिलेगा, सबको आशीर्वाद मिलेगा। वो हाईवे में फेस कर रहा है और स्पेशली हम ये चाहता है कि हाई में जो भी आदमी चले सबको उनका आशीर्वाद मिले और हमारा यहाँ का लोगों का बुद्ध धर्म के प्रति उसका टीचिंग के प्रति और उसका उस ये बिलीफ जो है उसका विश्वास जो है वो बढ़े और सबका खुशहाल और उसका उनका बीमार या कोई ऐसा तकलीफ ना हो। तो इसलिए हमने इसको स्थापित किया है, इसमें हमारा सब चद्दोपिन लोगों का ये योगदान रहा है, चद्दोपिन ही नहीं बाहर के जितने भी लोग हैं सब ने यहाँ कंट्रीब्यूट करके स्पॉन्सर करके इसको बनाया है। इसमें हम स्पेशली हमारा गवर्नमेंट हमारा पेमा खांडू जी को, हमारा चीफ मिनिस्टर अरुणाचल का, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके बिना सहायता से यह नहीं हो पाता, उन्होंने काफ़ी मदद किया है सैंक्शन दे के और आगे भी काम करना है। और उन्होंने आज फिर से हमारा उत्साह बढ़ाया है, हमारा बिलीफ को और मजबूत किया है कि जो भी मदद चाहिए होंगे फ्यूचर में वो मदद मिलेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं उनको सबको और जितना भी यहाँ आए हैं रिमचे लोग यहाँ रामनेट किया है उनको भी और सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।